करेंगे कि अगर आपके कुंडली में अगर आपका सातवां घर अगर खाली है, कोई ग्रह उसमें नहीं है, तो क्या किया जाए। अगर सातवां घर खाली है तो फिर आपने आपको देखना होगा कौन सा वो ग्रह है जिसकी दृष्टि आपके सातवें घर पर पड़ रही है। सातवें घर को आपको समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि सातवां घर आखिर होता क्या है। सातवें घर का मालिक का मतलब होता है कि जिंदगी में दो लोग जब साथ में आते हैं, चाहे वो बिजनेस के लिए आए, पार्टनरशिप के लिए आए और कॉन्ट्रैक्चुअल संबंध में जुड़ जाए, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो या आपका जीवन साथी हो, सातवें घर के बिल्कुल सामने क्या है, लग्न, आप खुद, आपकी पर्सनालिटी, वो आपका आईना है। सातवां घर बताता है कि दो लोगों में आपस में इंटरेक्शन कैसा होगा, चाहे फिर वो बिजनेस पार्टनर हो, चाहे फिर वो शादीशुदा जीवन क्यों ना हो, या आपका जीवन साथी हो। एक इंसान दूसरे इंसान से मिलकर के जिंदगी में एक पूरा अनुभव करता है, रिलेशनशिप बढ़ता है दो लोगों के बीच में। और ये जब दो लोग आपस में साथ में रहते हैं, समय बिताते हैं, तब वो उस रिलेशन को एक दूसरे लेवल पे ले जाते हैं, एक आध्यात्मिक लेवल पे ले जाते हैं। एस्ट्रोलॉजी में सातवां घर आपको बताता है कि आपका होने वाला जीवन साथी या उसके बारे में कुछ चीजें कि होने वाले जीवन साथी में क्षमताएं कौन सी है, दिखाता है कि उस व्यक्ति की नेचर कैसी होगी, रोमांटिक रिलेशनशिप कैसा होगा, किस तरह से ये मैरिज, ये शादी जो है, जिससे आप शादी करेंगे तो मैरिज में रिश्ता कैसा रहेगा। ये भी बताता है कि शादी नहीं, अगर आप बिजनेस करते हैं किसी पार्टनर के साथ तो फिर कैसा होगा। इसके लिए सातवें घर में जो ग्रह है या फिर सातवें घर की जो राशि है वो आपको बता सकता है कि सामने वाला व्यक्ति, सामने वाला पार्टनर, आपका लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर के साथ आपके संबंध कैसे होंगे। साथ ही साथ ये भी बताता है कि सामने वाला जो इंसान जिसके साथ आप बिजनेस करेंगे या शादी करेंगे, वो आपसे क्या अपेक्षा रखता है, आप उससे क्या अपेक्षा रखते हैं। इसे समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि सातवें घर में वो कौन सा ग्रह है जिसको देख करके आप बता सकते हैं कि हाँ, जीवन साथी ऐसा होगा, या आप जीवन साथी से क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं। इसे समझने के लिए चले आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा वो ग्रह है जो आपके सातवें घर में पाया जाता है, तो इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है। दोस्तों, अगर आपके सातवें घर में सूर्य पाए जाते हैं, इसका मतलब क्या है कि आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे अपने पार्टनर के द्वारा, पार्टनर के होने से आप जिंदगी को अकेला बिल्कुल भी बिता नहीं सकते, आपको कोई ना कोई पार्टनरशिप की जरूरत होती है। इसीलिए अगर शादीशुदा जीवन अगर आपका थोड़ा खराब हो गया तो आप जल्द ही दोबारा शादी कर लेंगे, क्योंकि आप को एक कंपेनियन, एक इंसान चाहिए, आपका मान सम्मान इज्जत जिसको हम कहते हैं वो आपको सिर्फ सातवें घर से ही मिलता है। इसीलिए पार्टनर आपके जीवन में बहुत जरूरी है। आपका पार्टनर मजबूत होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए और आपको सपोर्ट करना चाहिए, ऐसी अपेक्षा आप हमेशा रखेंगे। सातवें घर में अगर सूर्य पाए जाते हैं, ये भी बताते हैं कि बिजनेस अगर आप करते हैं तो बिजनेस रिलेशनशिप आपके या बिजनेस आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। अगर दोस्तों चंद्रमा सातवें घर में पाए जाते हैं तो चंद्रमा तेजी से चलने वाला एक ग्रह है। ऐसे में सातवें घर में चंद्रमा आपके रोमांटिक रिलेशनशिप को थोड़ा सा गड़बड़ कर सकता है, अनस्टेबल कर सकता है। हमेशा एक जरूरत आपको महसूस होगी सपोर्ट की, केयर की, और इमोशनल लेवल पे आप चाहते हो कि आपको आपका पार्टनर संभाले।
इसीलिए ऐसा व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता, उसे हमेशा कोई ना कोई अपने पास जरूर चाहिए। वहीं पर यह भी देखा गया है कि वो क्योंकि चंद्रमा है तो ये अलग अलग पार्टनर ढूंढने की कोशिश करता है, रिलेशनशिप बहुत शॉर्ट समय के लिए रहते हैं। ऐसा व्यक्ति एक से अधिक पार्टनर या मैरिज कर सकता है। चंद्रमा जिसके सातवें घर में हो वो एक ऐसे पार्टनर की तलाश करता है जिसमें लड़का हो तो अपनी मां को देखे या लड़की हो तो उसमें एक पेटर्नल यानी कि पिता को देखे, ऐसा वो व्यक्ति चाहता है, वो प्यार चाहता है। सातवें घर में अगर मंगल पाए जाते हैं तो याद रखिएगा, मंगल सातवें घर में ये बताता है, दर्शाता है कि आपके जीवन में जब एक पार्टनर आता है तो आपको उससे ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है। आप हमेशा चाहोगे या आपकी इच्छा होगी कि वो व्यक्ति आपके जीवन में बहुत एक्टिव होना चाहिए, वो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के आगे बढ़े, आपका साथ दे, आपको सपोर्ट करे। वहीं पर एक बात और भी है, शादीशुदा जीवन अगर एक समान स्मूथली चले वो भी आपको पसंद नहीं है। आप चाहते हो कि थोड़ी नोक झोंक तो होनी चाहिए, वही रिश्ते में एक निखार लेकर आती है। बुध अगर आपके सातवें घर में है तो बुध क्या है, एक ऐसे ग्रह है जो कम्युनिकेशन, संचार, संवाद की बात करते हैं। किसी भी पार्टनरशिप में किसी भी व्यक्ति के लिए, आपके लिए कम से कम सामने वाले का बुद्धिमान होना बहुत जरूरी होगा, इंटेलिजेंट होना बहुत जरूरी होगा। जब भी आप एक पार्टनर की तलाश करेंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे कि रोमांटिक पार्टनर में सबसे पहला उसकी कम्युनिकेशन कैसी है, इंटेलिजेंस कैसी है, और फिर आता है कि वो दिखता कैसा है या दिखती कैसी है। आपके लिए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। शादीशुदा जीवन में भी, मैरिज में भी आप देखोगे कि उसका जो दारोमदार है शादी का वो रहेगा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सब बातें बाद में आती है, पहला कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। आपके सातवें घर में अगर गुरु हैं, जुपिटर हैं, इसका मतलब होता है कि शादी के बाद पार्टनरशिप में आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलने जा रही है। और ये खास करके ऐसा देखा गया है कि एक स्त्री एक फीमेल के कुंडली में ऐसा है जैसे कि उसको अपने सपनों का राजकुमार मिल गया हो, आइडल पार्टनर जिसे हम कहते हैं। एक पुरुष के लिए भी ये ठीक है शादीशुदा जीवन के लिए, लेकिन उससे भी ज्यादा ये फेवरेबल है या अच्छा है बिजनेस के लिए, बिजनेस पार्टनरशिप के लिए, अगर सातवें घर में गुरु है तो। इसके आगे ये देखा गया है कि अगर गुरु सातवें घर में हो तो ये भी दर्शाता है कि आपकी शादी तो जरूर होगी, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो ऑलरेडी शादीशुदा तलाकशुदा है, ऐसा देखा गया है। गुरु का सातवें घर में होना यह भी दर्शाता है कि आपका पार्टनर एक बहुत बड़े घर से, ऊंचे घराने से, बहुत पैसे वाला हो सकता है और शादी में आप अच्छा खासा पैसा खर्च करोगे। शुक्र अगर सातवें घर में पाए जाते हैं, शुक्र बताता है कि आप को एक इंतजार है, एक तलाश है रिलेशनशिप का, हार्मनी का, सब कुछ अच्छा अच्छा हो। आप नहीं चाहते हो कि फैमिली में, परिवार में हमेशा प्यार मोहब्बत बनी रहे, कोई झगड़ा, कोई विवाद ना हो उसमें। यह भी देखा गया है कि जिस व्यक्ति के सातवें घर में शुक्र होता है ऐसा व्यक्ति बहुत सारा पैसा शादी पे खर्च करता है और आपके शादी पे बहुत सारे गेस्ट, बहुत सारे लोग होते हैं शादी पे। ये भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति जिसके सातवें घर में शुक्र हो तो उसका जो बिजनेस पार्टनर होता है, पहले तो पार्टनर होता है
लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसमें दोस्ती बनने लगती है। लेकिन यहां पर एक बात है जो मैं कहना चाहता हूं, अगर आप पार्टनरशिप में बहुत सॉफ्ट हो जाओगे, बहुत नरम पड़ जाओगे, तो वो आपके बिजनेस के लिए अच्छा नहीं रहेगा। थोड़ा सा आपको शुरू होना, कठोर होना आवश्यक है, क्योंकि आखिर तो ये शनि देव आपके सातवें घर में हैं। ऐसे में आपका जीवन साथी जिससे आप शादी करेंगे या पार्टनरशिप करेंगे बिजनेस में, ये ज्यादा मैच्योर होगा, अनुभवी होगा और एक अच्छा इंसान होगा, डिसिप्लिन वाला होगा। हाँ, लेकिन मैंने जैसे हमेशा कहा है, सातवें घर में शनि का मतलब होता है आप में और आपके पार्टनर में उम्र का, एज का डिफरेंस होगा। दोनों अलग अलग जनरेशन के हो सकते हैं, आपके और पार्टनर के वैल्यूज और सोच थोड़ी अलग अलग हो सकती है। अगर हम बात करें बिजनेस की या बिजनेस पार्टनरशिप की, तो आप हमेशा एक ऐसे पार्टनर के साथ में काम करना पसंद करेंगे जो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, मैच्योर हो, और ऐसे व्यक्ति के साथ में काम करने से आपको फाइनेंशियल सक्सेस या बिजनेस में कामयाबी जरूर मिलेगी। अब बात करते हैं सातवें घर में अगर राहु पाए जाते हैं। राहु का सातवें घर में होना, ये एक ऐसा ग्रह है जो शादीशुदा जीवन या फिर बिजनेस में, दोनों में ही तकलीफें ला सकता है। ऐसा व्यक्ति जिसके घर, जिसके सातवें घर में राहु हो, उस वो हमेशा चाहता है कि मैं स्वतंत्र रहूं, फ्री रहूं, मुझे किसी चीज में बंधना नहीं है। इसीलिए आप देखोगे कि इनकी शादी भी जो होगी वो बहुत इनफॉर्मल होगी, फ्री यूनियन होगा, और चाहता है कि मुझे बांधना ना जाए। उसका रिश्ता, ये रिलेशनशिप भी जो है वो भी एकदम अपने आप को फ्री रखना चाहेगा वो। और ये भी देखा गया है कि दोनों पार्टनर यानी कि हस्बैंड वाइफ जो है, अधिकांश अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग रहते हैं, दो अलग अलग जगहों पे हैं। जहां तक बिजनेस की बात करूं, तो बिजनेस के लिए राहु का सातवें घर में होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि ये दर्शाता है कि बिजनेस में आपका पार्टनर आपको धोखा दे सकता है या वो अनस्टेबल हो सकता है। अब बात करते हैं सातवें घर में अगर केतु पाए जाते हैं। अब ये एक ऐसे ग्रह हैं, केतु सातवें घर के अंदर किसी भी रिश्ते में, बिजनेस हो या मैरिज हो, उसमें तकलीफ लेके आते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, जो सोचा था वो नहीं हुआ। क्यों? ऐसा व्यक्ति जिसके सातवें घर में केतु हो, वो सोचता है या बिलीव करता है कि मेरा हनीमून जिंदगी में कभी खत्म ही नहीं होगा। अब क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि ऐसा नहीं पॉसिबल है, क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनका रोमांटिक रिलेशनशिप में वो जो मैजिक है, वो जो जादू है, वो बरकरार रहता है, और जब वो नहीं रहता तो वो डिसअपॉइंट हो जाता है। ना ही केतु बिजनेस पार्टनरशिप के लिए अच्छे हैं, क्योंकि देखा गया है कि केतु अगर सातवें घर में है तो आपके जो बिजनेस पार्टनर है या जो भी आपके साथ में लोग काम करते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे नहीं। इसीलिए सातवें घर में अगर केतु है, तो या तो आप जॉब कीजिए, या अगर बिजनेस करने की इच्छा है तो आप अकेले बिजनेस में उतरिए, पार्टनरशिप मत कीजिए।